सारे भारत की एक जो संस्था है जो हर किस्म का काम आदमी का लिए कर रहा है, ये भी काम कर तो मारवाई मन आज टेस्ट कर रहे तो बताते हैं जो ये करना हो। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे फादर वाली है तो उसका मिला हुआ यहाँ पे सर ये मैमोग्राफी मशीन है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम इसमें मैमोग्राफी करते हैं, ये एक्सरे मशीन है इससे हम लंग कैंसर के लिए चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं। ये लोग पागल है ना, दिस यूज इसको एक बार निकलवाइए पूरा किसी अच्छे डॉक्टर से, फिर इसका दवा लीजिए। ये नहीं बाबू ये दो है, इसमें देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। देख लो ना पतली ना बोल। हमारे वरिष्ठ मेंबर श्री कैलाश शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ। मैं पेशेंट हम लोग चेक किया है, उसमें काफ़ी डिटेक्ट भी हुआ है। फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होने के बाद आज वो लोग फिट है बिकॉज दे गॉट द बेटर ट्रीटमेंट। अनुरोध भी किए थे तो उनके प्रेरणा से आज ये कैंसर डिटेक्शन वैन हमारे पास आया है। ये दो दिन रहेगा, ये दो दिन में हम लोग 300 के करीब मरीज देखेंगे। मरीज अगर संख्या और बढ़ी हम लोग कोशिश करेंगे और भी होल्ड करने को इस वैन को करूंगा। इसी तरह से हमें सहयोग करें कि हम मालदा में और भी अच्छा कार्य कर सकें। धन्यवाद। मैं हमारे मेंटर श्री कृष्ण नारायण चौधरी को रिक्वेस्ट करूंगा। मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता मंच पे उपस्थित सुशील उसी टाइम हमको बताया कि हम लोग के कैंसर फैन लाऊंगा। उसके पहले मैं दुर्गापुर में गया था, मालदा में ओलंपिक था तो मारवाड़ी युवा मंच आज सुख का बात है, आनंद का बात है, बच्चे का वो थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन एकदम लास्ट स्टेज में अगर पकड़ेगा तो बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जितने मरीज आएगा ये मरीज का ट्रीटमेंट होगा या डिटेक्शन होगा, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा। ভারতবর্ষের একটা সামাজিক সংস্থা, এই সামাজিক সংস্থা থেকে তারা মানুষের সেবা করে। তো মারোয়াড়ি যুব মঞ্চ অনেকগুলো কাজ করার মধ্যে আজকে ক্যান্সার ডিটেকশন ভ্যান এসছে, যেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার তারা ডিটেকশন করবে বিনামূল্যে। আমাদের সমাজে ক্যান্সারটা দারুণভাবে স্প্রেড করছে বিভিন্ন কারণে, তো সেই অনেকে কি হচ্ছে লাস্ট স্টেজে গিয়ে ক্যান্সারটা ধরা পড়ছে, তখন আর বাঁচার চান্স নেই। কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজে যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে তার লাইফ স্প্যানটা কিছুটা বাড়তে পারে, তারই এরা চেষ্টা করছে। আমি এদেরকে আমার হার্ডলি কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি যে একটা লোক ক্যান্সার হয়ে গেলে এদিকে দৌড়ায় এদিকে দৌড়ায় মানে দিশাহারা হয়ে যায়। সেটা মালদায় আজকে দুদিন থাকবে, দুদিনের মধ্যে অসংখ্য মানুষকে তারা দেখবে, এর থেকে ভালো কাজ আর হয় না।